वैसे नवीन, अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं कि आप कुछ ड्रामों से किनारा कशी इख्तियार किए हुए हैं। जी, व्हाई इज दैट? स्क्रिप्ट्स इतनी डिसहार्टनिंग होती हैं। आप राइटर हैं, आपको अंदाजा होगा। अच्छा, राइटर? जी। अच्छा। इजी चॉइस आप काम की कर दो। जी, तो डिसहार्टनिंग स्क्रिप्ट्स हैं। बार बार वही कहानी, सिर्फ नाम बदल जाते हैं। तो उकता गई थी मैं। बहुत कम काम मैं वैसे ही करती हूँ, लेकिन अब बहुत केयरफुली पिक करनी पड़ रही है स्क्रिप्ट के। कुछ ऐसा हो कि आपको इंस्पायर करे। वासु भाई, कोई ऐसा ड्रामा लिख देना जिसमें हीरोइन नवीन जी और हीरो मैं हूँ। अच्छा, तो आप ही चेंज होना सब कुछ। इत्तेफाक देखें, इसको हुस्ने इत्तेफाक कहें या क्या कहें। जी जी, इन्होंने ड्रामों से ब्रेक ली हुई है, मैंने टॉक शो से ब्रेक ली हुई है। वाह वाह वाह, मैं भी नहीं आ रहा, यही प्रॉब्लम है। वो आप दोनों का एक ही मसला है कि आप दोनों ब्रेक पर हैं। मेरा तो पॉलिटिक्स है ना। नहीं, मगर पॉलिटिक्स के अंदर टॉक पहलू है, लेकिन वो मोनोटनस है सारा। वो टॉक शोज बिल्कुल को आर्गूमेंट खत्म हो गया उसके अंदर, बदतमीजी ज्यादा रह गई। लेकिन मैं नवीन जी से पूछना चाह रहा था, उधर भी पूछा था एक जगह से, तो अब कोई आइडियल, कोई ऐसा शख्स को मिला? यकीन कि आपके आने की खुशी में मैंने ये छोटे भाई से कोड लेके मैं आज आप बता ही दें कि कौन सा आइडियल कैसा होना चाहिए, ताकि मेरी ये टेंशन खत्म हो जाए, मैं सोचूं ना आपके बारे में। क्योंकि मैं कब तक अपने अम्मी अबू को कहूँगा कि मैं कर लूँगा। तो ये होता है ना कि आइडियल बता दें, ताकि जिंदगी में होता ना, ये फैसला कब करेंगे। या चौधरी साहब भी हैं, फैसला भी कर देंगे। फैसला वैसे उस चौधरी साहब को। तो आज बता दे, दिल से बता दे, मैं फिर कभी भी नहीं पूछूंगा आपसे। देखिए, आइडियल तो ऐसा जब हम छोटे हुआ करते थे तब होता था कि वो ऐसा होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। फिर आप हो जाते हैं बड़े। फिर आपको रियलिटी हाले तक बड़े नहीं हो। लेकिन सारी दुनिया को पता है, मैं जिक्र भी करता रहा, नवीन जी का मैं फैन हूँ। कौन सा कोई ऐसा शख्स कि ऐसा शख्स हो जो मेरे ख्वाबों का शहजादा हो। वैसे कोई ऐसी खातून आई हो जिसकी आप फैन ना हो? ये बहुत पते की बात है। मैं तो काफी मरतबा रिजेक्ट हुआ ना, तकरीबन 1,73,000 लड़की ने मुझे ना कर दी। मैं यकीन नहीं करती इस बात पे, इतना बड़ा नंबर नहीं हो सकता। उसमें एक जमा कर लें बस। आपने कर दी तो फिर गिनेस बुक में नाम आ जाएगा ना। तो वैसे कैसा आइडियल? चलो मुझे छोड़े, मेरी तो नसीब ही ऐसे। देखिए, अब तो वो वाला हाल हो गया कि जो बेसिक इंसान के अंदर चीज़ें होती हैं, जैसे पढ़ा लिखा हो, तमीज़दार हो, इज्जत करे, अब तो ये रह गया है। अब वो प्रिंस चार्मिंग वाला फेस, तो आई नो लॉन्गर बिलीव इन प्रिंस चार्मिंग। मैं खुद बचा लूंगी अपने आप को। जो हालात मुझे आजकल नजर आ रहे हैं, इट स्केयर्स मी। मुझे अब खौफ आता है देख के। एक तो वैसे ही मुझे ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत देर से भरोसा करती हूँ लोगों पे, और यही खौफ खाए जाता है अंदर से कि पता नहीं भरोसे के लायक है या नहीं। बस मेरा भी यही मसला चल रहा है, काफ़ी देर से आपको बोल रहा हूँ, लेकिन और मुझे रिजल्ट का भी पता है, क्योंकि आपने कहना कि आप भरोसे के लायक नहीं है। हमने अक्सर ड्रामों में आपको पॉजिटिव रोल करते हुए देखा है, मगर कुछ लोगों का ये ख्याल है कि आप नेगेटिव रोल करते हुए ज़्यादा आपको सूट करता है। आपका ज़ाती तौर पे क्या पर्सपेक्टिव है कि आप पॉजिटिव ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं या नेगेटिव? पॉजिटिव नेगेटिव का इतना प्रेफरेंस मेरा है नहीं। अच्छा। जिस किरदार को प्ले करने में जिसका मार्जिन ज़्यादा होता है, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो भी टेलीविज़न के प्लेज आप लोग देखते हैं, जिसमें या तो एक अच्छी औरत होती है, उसने 4 चीज़ें करनी होती है। उसने शौहर का कहना मानना है, उसने चपेट खानी है, उसने रोना है, और आखिर में उसने चुप करके बैठ जाना है, वेट करना है कि अब कुछ होगा ज़िंदगी में। विलन की जहाँ तक बात आती है या नेगेटिव कैरेक्टर्स की, उसके शेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसमें मज़ा बहुत आता है प्ले करने का। क्योंकि आप कब तक रोएंगे, कब तक रोएंगे आप बैठ के, कुछ यानी उससे ज़्यादा एक्सप्रेशंस हम क्या दे सकते हैं। तो I usually prefer negative characters, लेकिन negative वो वाले जो they're negative for a reason, फजूल का negative नहीं, एक back story है जिसकी वजह से वो इंसान इन हालात से गुजर के ये बना है जो अब आप लोग देख रहे हैं। जिस तरह लिखे जाते हैं किरदार, मुझे मज़ा आता है negative role play करने में, क्योंकि इसमें you have room to play, performance margin बहुत होता है। But unfortunately जो अच्छी लड़कियों वाले जो positive roles होते हैं, उनमें कुछ करने को नहीं होता इतना ज़्यादा। So सुनम اي واتكلم في ده ايش اقول ممكن لا 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 كل ما في مشكله خلاص خلاص السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته अजफर बिन वड़ैच हसन बिन जर्रा जी शेख साहब आई नो दैट टू मैंने तुम्हें हजार दफा कहा है आने से पहले प्लीज बताया करो मैं शो के दरमियान में होता तुम इनको लेके आए थे हो नहीं असल में ना जी तनख्वाह का दिन नहीं वो होंगे जो थोड़े शो का दिन मैं छाड़ा मैं फिर मेरी तनख्वाह तो ना बच्चे मैं कितों पालांगा तुम्हें तो पता बिजली के कितने बिल आते हैं हां मगर ये शेख यहां क्यों फिर रहा है कलम कलम हाद कलम ए भाई शादा पाकिस्तान लकद जीतू अल पाकिस्तानी मर्रा भी होता है जदों पाकिस्तान आया कोई आलीशान होटल रहने को मिले ही नहीं अयो انا चीज जदीद आई थी कहना मेरे को एक बड़ा बढ़िया आईडिया हैगा जे तुसी मनो ते अना तुरीदन इफ्तिताह अलफंदक कहना जी मैं एक नया होटल बनाना चाहना इथे अच्छा होटल ही बनाना चाहते हैं कहना मैं अपना बनावांगा ठीक है अयवा मकान अलबहर फी कराची मैं कहंदे कराची दे समंदर दे उत्ते बनाना चाहना ओह अच्छा यू वांट टू मेक अ होटल इन कराची हां जी हां जी ये कह रहा यार ये बात सुन इंग्लिश समझ नहीं आती इसको पंजाबी बोल लेता है सायकून फंदक हां 20 नजमा आशरीन नजमा वो कह रहे हैं 20 स्टार होटल में 20 स्टार होटल यहाँ नहीं बनता 7 स्टार से ऊपर बनता ही नहीं अरे सब कहना मैं बनावांगा जिद्दी है ना 20 स्टार होटल 20 मंजिला होटल काम है फी होटल अली शाह कतल कहना बहुत लम्बा चौड़ा होएगा बात करो तुम इसके मुतरजुम क्यों बने अगर तुम्हें अरबी समझ नहीं आती नहीं आ रही है ना आहिस्ता आहिस्ता आ रही सर हालत तो यहाँ हमारे शो में सीखनी सर 1.5 महीना हुआ है अभी मेरे बच्चे पल जाएंगे सर आपकी मेहरबानी कलम कलम फंदुक फी आली शाहिकतन असतहत अल फंदुक फी यकफ अल नफर यार क्या बात है मैंने भी नहीं समझा यार आहिस्ता आहिस्ता कलम आहिस्ता आहिस्ता हौली हौली कलम असतहत अल फंदुक फी यकफ अल नफर कहना बहुत उच्चा होटल मैं बनावांगा एक बार तुहानू लगेगा पता भी एडा वधिया होटल ओके हां ए गल मैं नहीं कीती चलो इस बहाने पंजाबी तो सीख रहे हैं ओए एडा उच्चा होटल होएगा जे बंदा उच्चा खलो जावे तो अच्छा कहना भी जे एडा मैं समझ आ गई है बैठे नफर शفتو في برج الباكستان من لاहौर ओए ओए कहना उत्ते बंदा खलोता होएगा ना कराची हां ओथों नु लाहौर दा मीनार पाकिस्तान भी नजर आएगा यार कैसी गल है बड़ी गल है तू तो हुकूमत तो भी बड़ियां छड़ रहे हैं 20 हेलीकॉप्टर वقف वक्त الواحد 15 वी वी कंदा दी छत दे उत्ते 20 हेलीकॉप्टरां दी पार्किंग भी होएगी 20 हेलीकॉप्टर ايوه انت يبغى اي عمل حاجه قولي الله شفاء देगा